अजीज है तुम तो में से कोई शख्स उस वक्त तक मुमिन ही नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके माँ बाप ओला सब लोगों से बढ़कर अजीज ना हो जाऊं टेन कमांडमेंट्स में से नाइन्थ कमांड आ रही है वला लैस तख्फुमाई बिही इल्म और उस बात के पीछे मत पढ़ना उसकी पैरवी ना करना जिसके बारे में तुम्हारे पास इल्म ना हो बेशक कान आंख और दिल या दिमाग या अप्रोप्रिएट कह लें अकल इन सब के बारे में तुमसे सवाल होगा क्या मत के दिन यानी यह तीन जो अल्लाह तला ने मेन इंस्ट्रूमेंट दिए कान आंख और अकल दिल हो या दिमाग क्योंकि दिल भी सोचता है दिमाग भी सोचता है इसके ऊपर अलग से मेरी वीडियो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटलेक्ट अकल का जो आला है वो दिल भी है और दिमाग भी है इन तीन आज़ा को यूज करके तुमने हक बात तक पहुंचने की कोशिश करनी है और किसी ऐसी चीज की पैरवी नहीं करनी जिसके बारे में तुम्हारे पास इल्म नहीं है इसका यह मतलब नहीं है कि आपको किसी चीज का तारुफ होता है तो आप उसके बारे में फिर इल्मी हासिल न करें क्योंकि अगर इल्म किया और बात सच निकली तो हमें पैरवी करनी पड़ेगी यह भी पब्लिक में आपने काफी मशहूर बात सुनी होगी जी कोई अच्छाई की बात अगर सुन ली तो फिर उस पर अमल करना पड़ जाएगा वो ये समझते हैं कि अगर हमने अच्छाई की बात ना सुनी तो क्यामत वाले दिन शायद अल्लाह ताला हमें छोड़ दे कि इस बेचारे को तो पता ही कोई नहीं था इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज ऑन द डे ऑफ जजमेंट किसी शख्स का किसी चीज से मुतारफ ना होना जो कि जरूरिया दीन में से है क्यामत के दिन अल्लाह के हजूर कोई उजर नहीं है दुनिया में भी नहीं है कोई शख्स जो ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ता है पहली दफा मोटरवे पे 130 की स्पीड के ऊपर गाड़ी दौड़ाना शुरू कर दे और के मैं तो जर्मनी में चलाता था वहां तो स्पीड लिमिट ही कोई नहीं है उसे बताया जाएगा कि भाई यहां तो है और अब आप जुर्माना अदा करें इन फिर आप कभी नहीं भूलेंगे कि यहां पे लिमिट है वो क्या जी मुझे तो नहीं पता था लिहाजा इस दफा छोड़ दें वो कह भाई रिकॉर्ड हो चुका है जुर्माना तो आपको देना होगा दुनिया में भी इग्नोरेंस कोई एक्सक्यूज कोई शख्स बेशक अपनी तालीम में किसी बोर्ड का टॉपर भी रहा हो और अगली क्लास के पेपर होने वाले हो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाए या रास्ते में उसके साथ कोई ऐसा इशू बन जाए ट्रैफिक में लेट हो जाए और वो कमरे इम्तिहान में एक घंटे बाद पहुंचे तो वो एग्जामिनर से नहीं कह सकता कि जी मुझे एक घंटा फालतू दे दें वो कहेंगे आपके साथ बैड लक हो गई है तो इग्नोरेंस कोई एक्सक्यूज नहीं है इसी किस्म की जो बैड लक के बहाने लोग कहते हैं जी मुझे तो वक्त ही इतना नहीं मिला मुझे तो हलात तो वाक्यात ऐसे नहीं मिले कि मैं दीन का इल्म हासिल कर सकूं लिहाजा क्यामत वाले दिन अल्लाह के हजूर कोई बचने की सबील हो जाएगी तो ये बिल्कुल गलत है बाकी वो हदीस जो जाम तिरमजी में मौजूद है कि क्यामत वाले दिन कोई शख्स उस वक्त तक अपना कदम नहीं हटा सकेगा जब तक कि पांच सवालों के जवाब ना दे ले नंबर वन उम्र किस काम में गुजारी नंबर टू जवानी कैसे गुजारी हालांकि उम्र के अंदर जवानी भी आती है लेकिन चूंकि ये गोल्डन पीरियड है इस सवाल का जवाब दुनिया में भी आप तलाश करेंगे तो पता चल जाएगा ये सवाल की वाले दिन क्यों हो रहा है क्योंकि इंसान के पास टाइम भी होता है ताकत भी होती है वो सच्चाई तक पहुंच सकता है अपनी एफर्ट पुट करके जिस तरह जवानी में और कामों के लिए एफर्ट पुट करता है तीसरा सवाल होगा माल कैसे कमाया यानी कि हलाल तरीके से या हराम तरीके से चौथा सवाल होगा माल खर्च कहां पर किया यानी इसे याशी की या जो जवाज की जगह थी वहीं पर खर्च किया भले अपने मां बाप पे लगाया बी बच्चों पे लगाया वो हलाल है बिल्कुल उसका भी है। और लोगों ने गलत समझ लिया किमत वाले दिन ये जो पांचवां सवाल होना है ना, अपने इल्म पर कहां तक अमल किया तो मतलब यह है कि इल्म हासिल करने की जरूरत ही नहीं है पांचवा सवाल जब होगा तो हम कहेंगे हमारे पास तो इल्म ही नहीं था तो अल्लाह हमें छोड़ देगा ना ऐसे नहीं होगा क्योंकि कोई भी मुसलमान एटलीस्ट ये दावा नहीं कर सकता कि मेरे इल्म में यह बात नहीं है कि इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है यह रिवायत भी है उसके सेहत में कलाम है सुन में माजा में लेकिन अपनी असल में कुरान सुन्नत का निचोड़ ही यही है कि आपने इल्म दिन हासिल करना है जिसके साथ आपकी आखरत जुड़ी हुई है तो जिस शख्स को भी पता है मैं मुसलमान हूं उसे यह भी पता है कि मैंने इतना इल हासिल करना है कि 24 घंटे की जिंदगी में इस्लाम के मुताबिक गुजार सकूं इसलिए देखें तबलीगी जमात ने भी जो छः नंबर बनाया मैं ना उनमें से एक इल भी है क्योंकि बुनियादी चीज़ है इल के बगैर ना आप वज़ू का तरीका सीख सकते हैं ना गुसल का ना पाकी पलीदी के मसाइल सीख सकते हैं ना नमाज पढ़ने का तरीका ना रमजान मुबारक के रोजे क्योंकि तो इस्लाम की बुनियाद तो बुखारी मुस्लिम आया कि पांच चीज़ों पर है कलमे के बाद नमाज ज़क़़ हज और रमजान के रोजे ये चार हैं अमाल पहला जो है वह तोद है तोहेद और रसालत के अतबार से तो ये जो चार अमाल हैं जब तक इनका इल हासिल नहीं होगा और इनसे जुड़ी हुई चीज़ों का इल्म अब एक शख्स कहता है मेरे पास माल है और मैं हज के लिए जा रहा हूं तो माल हलाल तरीके से कमाया होना चाहिए ये नहीं है कि हराम तरीके से कमाया और हज कर लिया और कह के, के मैं अपने गुना माफ करवा लूंगा क्योंकि मुस्लिम शरीर में हदीस है कि हजे मबरू जो है वो गुजश्ता के सारे गुनाहों को माफ कर देता है तो लिहाजा बख्शिश हो जाएगी इसके साथ जितनी क्रोलरीज जुड़ी हुई है ना वो बय बग सारी के सारे फंक्शन को सेटिस्फाई होना चाहिए तब जाके कोई एंड रिजल्ट आपके हक में निकलेगा तो इम तो बहरअल आपने हासिल कर नहीं करना है आपने इम पर कहां तक अमल किया इसमें यह भी दाखिल है इल्म हासिल किया कि नहीं किया क्योंकि ये तो पता था ना मैं मुसलमान हूं मैंने मरना है अल्लाह के मजूर पेश होना है इसके लिए तैयारी करनी है ये सारा कुछ तुम्हारे इल्म में था ना तो इसमें कितना अमल किया कि आखिरत की जवाबदेही के लिए कोशिश कितनी की लिजा ये अपने दिमाग से निकाल रहे कई लोग है पुराने बूढ़े आप देखे कहते नहीं जी सुनने की लोही को नहीं फिर अमल करना पड़ेगा जी वो ये समझते ना सुना तो शायद बख्शिश उठेगी इस तरह नहीं होगा भाई फराइज का इल्म तो बरल हासिल करना ही करना है इसके बगैर तो छुटकारा नहीं है तो कुरान ये कह रहा है कि किसी ऐसी चीज की पैरवी नहीं करनी जिसके बारे में तुम्हारे पास इल्म नहीं है और इल्म हासिल करने के तीन बड़े इंस्ट्रूमेंट्स का जिक्र किया कान आंख और अकल दिल हो या दिन के जरिए आपने इल्म को हासिल करना है और उसके बाद सच्चाई की पैरवी करनी है और बुराई से इजतनाव करना है इसके बगैर आपने किसी भी बात की पैरवी नहीं करनी वो कितनी ही अच्छी लग रही है अगर डेफिनेट इल्म नहीं है उसकी पैरवी आपने नहीं करनी ऐन मुमकिन है वो दीन में बिदत हो अक्सर बिदात जो दीन में दाखिल की गई है वो स्वाब की नजर से ही की हुई है ना अगर कोई शख्स दस मुहर्रम के दिन गैर शरीय अफाल करता है तो नीयत तो पीछे उसकी बिल्कुल दुरुस्त है और वह स्वाब की नीयत से कर रहा है आलोल बहीद से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं लेकिन वो काम कर रहा है जो अल्बईद आलमसम की तलीमत के खिलाफ है इसी तरीके से बारह रब्वल के मौका के ऊपर जो उधम मचाया होता है इन्होंने मक्के मदीने के मॉडल बनाए हुए हैं वहां बेपर्दा औरतें आ रही हैं पीछे वो डांस वाला म्यूजिक लगा हुआ है और उसके ऊपर अजीब डिस्को किस्म की नाते और कवालियां चल रही हैं मर्द औरत का अख्तरात है और के के बाद तो किसी की भी बहन बेटी महफूज नहीं है उनकी चीजें रिकॉर्ड होके नट के ऊपर चढ़ जाती हैं और बाद में फिर आपस में रोते पीटते रहते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया तो यह जितने काम हो रहे हैं इतने खर्चे हो रहे हैं नेकी के नहीं यह सही हो रहे हैं लेकिन बगैर इलम के हो रहे हैं चूंकि बगैर इलम के हो रहे हैं लिहाजा मरदूद है सही बुखारी में अदीस है हजरत उज़ैफ़ा इबन यमान ने एक शख्स को देखा कि वो नमाज के रुकू और सजूद बड़ी तेज़ी से अदा कर रहा था जैसे ही उसने इस्लाम फेरा आप उसके पास आए और फरमाया कि अगर तू इसी तरीके से नमाज पढ़ता हुआ मर गया ना तो तू मोहम्मद सल्लाम के तरीके पर नहीं मरेगा यह आज के दौर की बात नहीं हो रही एट वो हुआ ना अगर तो ताबी होगा या एन मुमकिन है कोई ऐसा साबी हो जिसकी अभी तरबियत न हुई हो सिर्फ हजू को देखा ही हो उसने सल्हुस वसलम और उजैफ़ा अबिन जमान कह रहे हैं इस तरीके से तू नमाजें पढ़ता हुआ मर गया ना तो मोहम्मद के तरीके पर नहीं मरेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका मतलब आपको पता है क्या है कि क्या अहमद वाले दिन नबी इस्लाम ऐसे लोगों को ऑन नहीं करेंगे मुशक्कत तो उसने भी उठाई है नमाज पढ़ने की वजू करने की टाइम भी निकाला है लेकिन नबी इलास््लाम की मिलत पर वो नहीं है क्योंकि उसने उस तरीके को फॉलो नहीं किया जो मुसरद अहमद है कि बदतरीन चोर वो है जो नमाज में चोरी करता है पूछा गया नमाज का चोर कौन हो सकता है तो आप इस्लाम ने फरमाया जो रकू कर सकते सही तरीके से अदा नहीं करता है ठोंग मारता है सही मुस्लिम नदी है कि मुनाफिक की नमाज है कि वो सूरज के जर्द होने का इंतजार करता है और फिर असर की नमाज पढ़ता है और जल्दी जल्दी मुर्गे जल्द की तरह ठोंगे मार के तो अपनी नमाज फारह करके वो समझता मैंने बड़ा कमाल दी है मुनाफिक की नमाज कहाशन वाली नहीं है एहतमाम नहीं है अब ये सारी की सारी चीजें इल के साथ जुड़ी हुई है भाई इल के बगैर तो कुछ भी नहीं होना इल्म जब तक आप हासिल नहीं करेंगे आपको यह नहीं पता चलेगा कि अल्लाह तब आपसे क्या चाहता है किस तरीके से चाहता है किस टाइम पे चाहता है यह आपको रोल मॉडल के तौर पर प्रॉफिट के जरिए चीजें पता चलेंगी लकत गानसूल उस वक्त में हसना नबीस्म की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन मॉडल है अंबिया को अल्लाह तला इसलिए भेजता है कि कोई शख्स अपने जोम में अल्लाह की मोहब्बत में ऐसी एक्टिविटीज ना करना शुरू कर दे कि जिन चीजों से अल्लाह को नफरत है अगर रोल मॉडल सामने नहीं मौजूद होगा तो हर शख्स अपने इश्क का इजहार डिफरेंट तरीके से करेगा कोई नाच कूद के अपने रब को मनाएगा कुरान में आया कि मुशर अरब तवाफ काबा करते थे सीटियां और तालियां मारते हुए और बरहना वो ये समझते थे कि चूंकि दुनिया में जब हम आए थे तो हमारे जिसम पे कोई कपड़े नहीं थे अल्लाह ने हमें इसी तरीके से पैदा किया था लिहाजा अब सबसे अफजल तवाफ ये होगा कि हम नंगे होकर तवाफ करें पीछे उन्होंने लाजिक ये बनाई हुई थी न लाजिक अपने अतबार से उन्होंने बड़ी अच्छी बनाई हुई थी जिस तरह की आपको कहते हैं ना कि बारह रविलोबल का दिन है दो घर है एक में महफले मिलाद हो रही है और डिस्को नाते चल रही हैं दूसरे में कुछ भी नहीं हो रहा तो बताओ आश के रसूल कौन है लॉजिक इसी तरीके से खड़ी करते हैं ना कलाम के जरिए तो मुशरकिन अरब ने भी यही लॉजिक अगज़ की हुई थी कि जब अल्लाह ने बगैर कपड़ों के इंसान को पैदा किया है तो सबसे अफजल तवाफ़ यह होगा कि इंसान कपड़े उतारे और तवाफ कबा करे फतेह के बाद सही बुखारी में आता है नबी इस्लाम ने मौला अली को जब पीछे भेजा नौ हिजरी के हज में अमीर हज हजरत बो बकर थे और पीछे से सूर्य तोबा की आयात नाजिल हुई उनमें यह अनाउसमेंट थी ये चार महीने का टाइम है या तो इस्लाम कबूल करोगे या जजीरा नवा अरब छोड़कर चले जाओ अदरवाइज अजाब इस्तीसाल आएगा कतल किए जाओगे और अगले साल से कोई मुश्किल हज के लिए नहीं आएगा और ना कोई कपड़े उतार कर वरना हज करेगा ये सारी चीजें बैन कर दी गई ये सारी चीजें इनसे मुतालिक है ना इल के बगैर तो आप चीजें हासिल नहीं कर सकते जिन लोगों ने पैंथीजम का अकीदा घड़ा हमाउस के हर चीज में अल्लाह है दरख्तों में पहाड़ों में जानवरों में वो कहते हैं ये सब चीजें जो है ये अल्लाह ही ने इन चीजों का रूप धार लिया है वो कहते हैं हम मान नहीं सकते कि खुदा के अलावा कोई और वजूद भी है अब ये अल्लाह की मोहब्बत में उन्होंने की था घड़ा है लेकिन कुफ्रिया शेर किया एलाहाद ये हादिस को कदीम से अलग करने का नाम ही तोहिद है ये तमाम चीजें हादिसा हैं अल्लाह तला ने क्रिएट की है अल्लाह कदीम है हमेशा से है ये इबल कलाम की टर्म है जो हमेशा से वो कदीम कदीम एक अल्लाह है अगर मखलूक और खाले का फर्क इस एबार से खत्म कर देंगे तो, तो ही तो स्टेक पे लग गई अब जिन लोगों ने ये किया उन्होंने कहा कि हम अल्लाह से ऐसी मोहब्बत करते हैं कि उसके सिवा कोई वजूद मानने को हम तैयार ही नहीं है किया मोहब्बत में लेकिन वो काम किया जो अल्लाह तला को सबसे ज्यादा नापसंद है ये अक्सर आपने वो बोला रूम ने भी वो कहानियां बना के मसू में लिख दी के जी हजरत मूसी स्लम ने एक शख्स को देखा वो अल्लाह से बातें कर रहा था कि अल्लाह तू मेरे पास आए मैं तुझे नहलाऊ फिर तेरे बालों में कंगी करूं तो मूसअलीसलाम ने उसे बताया कि भाई ये तो अल्लाह के बारे में आपने अकीदा नहीं रखना वो कहते हैं जब कोई तूर पर मुलाकात हुई तो अल्लाह तौला ने मूसअ सलाम को ही डांट दिया कि तूने मेरे बंदे का दिल दुखा दिया बेसिकली इन्होंने नागे पीर जो हर वक्त गलाजत में भरे हुए होते हैं कपड़े इन्होंने उतारे होते हैं ना इन्हें कोई पाकि पलीती का पता होता है इनको इन्होंने नबियों से बढ़ाया है अब मुझे बताएं मूसा इस्लाम दुनिया में अल्लाह ताला के नुमाइंदा है ये अल्लाह ने उनकी ड्यूटी लगाई है कि अगर कोई गलत काम कर रहा है आपने उसकी सलाह करनी है तो अल्लाह ने मूसा सलाम को क्यों डांटना है उस बंदे के पीछे मूसा इस्लाम तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं काम तो बहुत गलत कर रहा था वो तो कहते नी ईश्वी बातें इस तरीके से आपने ईश्का इजहार करना है अल्लाह तबारकबा तहता है लई सका मिसली शई वसमी बसीर अल्लाह की मिस्र कोई शह नहीं है फिर अल्लाह हक अल्लाह के बारे में हक के सिवा कोई बात नहीं करना अब ये हक के सिवा कोई बात नहीं करनी यह आपको कौन बताएगा पैगंबर अल्लाह तलीम की की रोशनी में लिहाजा इल्म के बगैर भाई कुछ नहीं है सीधी सी बात है अल्लाह की खशियत और मार्फत सिर्फ अहल इल्म को है नबी फरमाओ के वाले और बगैर इल्म वाले क्या बराबर हो सकते हैं नसीहत तो नहीं हासिल करते हैं, मगर अकल वाले यहां आपको कहते हैं इश्ते चले नंबर लेके अकल वाले उनजा ही उम्र गालियां यानी अकल वालों ने तो अपनी उम्रें जया कर दी है इश्क वाले नंबर लेके तो इन्होंने इश्क के नाम के ऊपर इल्म की तोहन की जो नबियों की विरासत थी कुरान में नबी इस्लाम को हुक्म हुआ है और नबी आप भी अर्ज किया करें अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा कर दे इल्म की बुनियाद पर ही आप अल्लाह की शनाख्त कर सकते हैं इल्म की बुनियाद पर आप आखिरत की हमेशा की कामयाबियां कमा सकते हैं इसके बगैर आप जितना मर्जी जोर लगाते रहे आप हो सकता है कि अमल कर करके थक जाए लेकिन एंड रिजल्ट जीरो निकले जो कुरान में आमिला नासिबा। अमल कर करके थक जाने वाले हजरत उम्र का कॉल है इस आयत के कॉन्टेक्ट में उन्होंने कहा इससे मुराद यहूदी और नसरानी वो राहब है जिन्होंने बातें तो बहुत की हैं लेकिन अमल कर करके थक गए अल्लाह को वो मतरूब नहीं था वो पेहमरों की तालीमत यह नहीं थी और यह आपको कहते हैं कि अब्दुल कादर जरानी जो है वो तीस साल तक पत्ते खाते रहे अब ये तीस साल तक पत्ते खाते रहे ये कौन सा दीन है ये कौन सी शरीय है पता नहीं उन बेचारों ने खाए भी हैं कि नहीं लेकिन इन्होंने तो उनके मथे मार दिए फिर आपको कभी बताएंगे जी फलां बुजुर्ग जो तो चालीस साल तक ना कुछ खाया ना कुछ पिया ना पेशाब किया ये भी कहते हैं साथ ना सोए हम कहते हैं बुखारी मुस्लिम में नबी नबीस्लाम जब गारे हीरा चंद दिनों के लिए तशीब ले गए तो टिफन में खाना साथ लेके गए आपके लिए तो आसमान से कोई खाना नाजिल नहीं हुआ और तुम्हारे बाबे बगैर खाए पिए जिंदा रहते हैं सब झूठ है ये इल्म के बगैर है चीज अभी तो मैं वो इल्म डिस्कस कर रहा हूं जिसका ताल्लुक वही के साथ है इल्म वही रिवील्ड नॉलेज कुरान और सुन्नत का किताब और सुन्नत का इल्म इल्हामी जो अल्लाह ताला पैगंबरों के जरिए देता है उसमें भी आपने जब तक इल्म हासिल नहीं करना आपने दीन के एतबार से भी आगे किसी चीज की पैरवी नहीं करनी एक दूसरा इल्म है वो है एक्वायर्ड नॉलेज जो अल्लाह तला ने फिजिकल फिनमिन ऑफ नेचर का इनमें रख दिया है मसलन पेट्रोल आग को भड़काता है ये फिजिकल नॉलेज है हमारी ऑब्जर्वेशन में कुरानो सुनत में कहीं नहीं दिखा हुआ कुरानो सुनत में कहां से आना था पेट्रोल का पहला जो कुआँ है पिंसलवेनिया में अठारह में बाकायदा तौर पर दरियाफ्त हुआ वैसे तो कबल बसी भी ये तेल निकलता था जमीन से लेकिन वो क्रूड ऑयल की फॉर्म में चाइना में निकाला जाता था वो उसे हीलिंग के लिए इस्तेमाल करते थे उन्हें नहीं पता था कि किसे आग भी लगाई जा सकती है इसमें से डीजल और ये सारी पेट्रोल और कैरोसिन ये सब कुछ निकाला जा सकता है ये बाद में पता चला इंसानियत को ब तो मुश्किल दो सौ साल पहले की बात है लेकिन हमें यकीन है कि ऐसा ही होता है ये फिजिकल फिनमिन ऑफ नेचर फिजिकल फिनमिन ऑफ नेचर यह भी है कि आप गंदुम का दाना बोएंगे उसमें से खेती निकलेगी फ्रूट की घुटली बोएंगे उसमें से उसका दरख्त निकलेगा ये सारी चीजें फिजिकल फिनमिन ऑफ नेचर है ये भी खुदा का तारुफ करवाती है और आपको कई तवहमात से ही चीजें आजाद करती हैं साइंस कभी नहीं मानेगी और ना उसे मानना चाहिए कि काली बिल्ली रास्ता काट दे तो नहुसत है घर की मुडेर के ऊपर कव्वा बोले तो कोई मेहमान आने वाला है जूती पे जूती चढ़ जाए तो सफर लिखा हुआ है कुरान और सुनत में तो इस किस्म की कोई चीज होगी नहीं ना वहां तो यह खुराफात हो ही नहीं सकती साइंस भी नहीं मानती साइंस ने ना सिर्फ खुदा का तारुफ इंसानियत को करवाया बल्कि जो झूठे खुदा थे या खुदा के मुकाबले पे झूठे नजरियात बने हुए थे उनकी मिट्टी बलीद करके रख दी ये सारे की सारी शोबदाबाजियां इन लोगों की खुल गई हैं अगले जमानों में लोग शोबदाबाजियां करते थे फास्फोरस का किसी को पता चला है उसमें आग भड़काई वो कहते थे पता नहीं क्या कर दिया आप लोगों को पता याद जहाँ कि आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं ये कौन सी ऐसी चीज है जिन चीजों को लोग करामत बना के पेश करते थे वो फिजिकल फिनमिन ऑफ नेचर था इस दौर में भी ऐसे ऐसे वाकत हैं ऑलमोस्ट आज से कोई पंद्रह साल पहले की बात है तो तरन से एक सड़क आगे जंड की तरफ जाती है वहां पे मुख्तलिफ काले चिटे पहाड़ों की वो एक पूरी सीरियल है वहां पे एक सिटी में किसी जगह मट्टी में से खुशबू निकली और लोगों ने जाके वो मट्टी समेटनी शुरू कर दी कि पता नहीं किसी बुजुर्ग का कोई असर है या कोई ऐसा सिलसिला हो गया कुछ दिनों बाद पता चला कि कोई परफ्यूम बनाने वाली कंपनी थी उनका परफ्यूम एक्सपायर हो गया था वो उन्होंने डंप किया था वहां उस मट्टी में और ये बायदा अखबार में खबर आई लेकिन लोग लेके जा रहे थे फिजिकल फिनमिन ऑफ नेचर किसी मज़ार के पास कोई ऐसा चश्मा बह रहा है जिसमें सल्फर की तादाद है आप जाहिर है सल्फर जो है वो बैक्टीरिया को खत्म करती है आप उसे नहाएंगे अगर किसी को फोड़े फिंसिए हैं तो मेडिकल इलाज है उसको बजुर्ग के साथ मंसूब कर देते हैं वो पानी आप घर भी बना सकते हैं भाई गोरे ने ट्यूब में बना के आपके हवाले कर दिया ये वो सारी चीजें जो इल्म के जरिए इंसानियत ने सीखी और लोगों ने उसको पता नहीं क्या कुछ बना के पेश किया लेकिन जो अंबिया के मोटजात है वो फिजिकल फिनमिन ऑफ नेचर को तोड़ने वाले हैं ये साइंस नहीं कभी कर सकती कि मुर्दे को जिंदा करते हैं ये ईसा इस्लाम का मोर्ड है ये भी कभी नहीं होगा कि मट्टी की मूर्त में फूक मारे और वो परिंदा बन जाए साइंस वो कुछ करेगी जो फिजिकल ऑफ नेचर के अंदर अंदर है। इससे बाय नहीं हो सकता तो ये जो साइंस का इल्म है एक्वायर्ड नॉलेज द नॉलेज ऑबटेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स ये भी डेफिनेट इल्म है या ये इल्म किसी चीज को सर्टिफाई करे या वही का इल्म किसी चीज को सर्टिफाई करे तब ही वो बात दुरुस्त होगी अगर ये दोनों किसी चीज को नहीं मान रहे उस चीज को मानने की जरूरत कोई नहीं ना उसकी पैरवी करने की जरूरत है वो तो घुमराई है इस्लाम ने इल्म वही के जरिए तवहमात का खात्मा किया और मॉडर्न साइंस ने इंसानियत को तवहमात से आजाद किया है फिजिकल फिनोमिन ऑफ नेचर के पीछे छुपे हुए राजों को दरियाफ्त करके सब कुछ पता चल गया और चीजों को एड्रेस करना शुरू कर दिया बीमारियों के इलाज आने शुरू हो गए ब्लड ग्रुप दरियाफ्त हो गए इंसानियत को पता चल गया कि इस तरीके से चीज़ों को एड्रेस किया जा सकता है इसी वजह से आप देखें एवरेज लाइफ इंसान की बढ़ गई पहले तो इस तरह जिंदगी नहीं होती थी जितनी पुरानी सिविलाइजेशन हैं आप देखें पैंतीस चालीस पचास के अंदर अंदर लोग फौत हो जाते थे और दादी दादा नानी नाना बन चुके होते थे चौदह पंद्रह साल की उम्र में शादी हो जाती थी वो लाइफ साइकिल इतना होता था मैं अगले दिन एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था कि आठ से ऑलमोस्ट डेढ़ सौ साल पहले ऑस्ट्रेलिया में एवरेज जो एज थी ना वो ऑलमोस्ट पैंतीस साल थी लोग बीमारियों से मर जाते थे और ये गोरे जब गए अफ्रीका में कई बीमारियां अपने साथ ले गए वो बेचारे काले मर जाते थे क्योंकि उनकी इम्यूनिटी नहीं थी उन बीमारियों से आज ऑस्ट्रेलिया में जो एवरेज लाइफ है वो 84 इयर्स है पैंतीस से चौरासी हो चुकी है पचास साल बढ़ा लिया बीमारियों पे काबू पाके ये सब फिजिकल फिनोमिन ऑफ नेचर की बरकत है हमारे बच्चे जो मोबाइल इतनी आसानी से व्हाट्सएप वीडियो कॉल यूट्यूब लाइव मैच देख रहे हैं आठ से सौ साल पहले का इंसान जिंदा हो तो इन्हीं को गौसेबत मान लेगा कि यार इस वक्त डायरेक्ट मस्जिद नबी में जो नमाज पढ़ाई जा रही है वो हमें मोबाइल में नजर आ रही है ये इसी फिजिकल फिनमिन ऑफ नेचर में तरक्की है जो इंसान ने हासिल कर ली है साइंस में पहले तो आप सोच भी नहीं सकते थे उससे बढ़कर ये चीजें ऑलमोस्ट मुफ्त आपको दी हैं आज पूरी दुनिया व्हाट्सएप के ऊपर डिपेंडेंट है फ्री है बिल्कुल ये अल्लाह तबारक वाली ने इंसान को तरक्की करवाई है ये वो इल्म है तो या वही का इल्म हो या साइंस का इल्म ये दो ओलूम है यानी कि रिवील्ड नॉलेज और एक्वायर्ड नॉलेज ये सर्टिफाई करेंगे किसी चीज को तो आप अपने मामला को आगे लेके चलेंगे और अगर ये नहीं करते हैं तो नहीं चलेंगे और ये इतने मोहकम कवानीन है कि नमरूद के, के दरबार में हजरत इब्राहिम ने जब मुजादला किया उसने पहली दलील के जवाब में कहा कि मैं भी जिंदा करता हूं और मारता हूं एक कैदी को उसने आजाद कर दिया दूसरे को कत्ल कर दिया एक भोंडी सी हरकत की उसने लेकिन हजरत इब्राहिम इस्लाम ने वेल लेफ्ट किया उन्होंने अगली दलील रखी कि मेरा रब वो है जो मशरक से सूरज निकालता है तुम्हारी से निकाल के बता ये फिजिकल ऑफ नेचर साइंटिफिक एक फैक्ट था जो पेश किया खुदाई कानून फबूही तल्ल कफर कुफर करने वाला हक्का बक्का रह गया इतने मोहकम कवानीन है इनको दलील पेश किया हजरत इब्रीम इस्लाम ने खुदा के एक होने